क्या जाओ ना आप चाबी लिया भाई। ये दो बच्चे क्या कर रहे हैं? ये तो जुवेनाइल तो नहीं है सर। यू कैन नॉट, कोई कानून का जाब्ता मुझे बताएं जिनसे आप इनको इधर रख सके। दुनिया का कोई कानून मुझे बताएं जिसमें आप इन बच्चों को ये पकड़ो, मोबाइल छोड़ दो, अब यहाँ छेड़छाड़ ना करना, बस सुनाते जाओ। ये मुझे क्या उसमें रखो, उधर इससे बना किसी कमरे में बैठा दे। नहीं नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। कॉलिंग ये हमें इंसान है कैसे छो सब, आपकी अपनी औलाद है, मेरी औलाद है, हम इनको कैसे रखेंगे? इनको थाने इसलिए बने हैं, हवालात इसलिए बने हैं कि इनकी इस्लाह हो। लोगों को पीछे नहीं है ज्यादा ना, बस बाकी बंदे बंद कर देना भाई। कहाँ से हो बेटा आप? किस कहते हो? बाप क्या करते हैं? आपकी वालदा किधर है? भाई, भाई है कि क्या नाम है भाई का? मोबाइल नंबर है भाई का? क्या मिलाओ और फीक नंबर मिलाओ। अच्छा आगे बोलो। ये बंद है, चार्जर का नंबर बताओ। डरो नहीं बेटा, डरो नहीं, मैं आपके लिए आया हूँ। जी बेटा, कादर नाम है। और आपका बेटा? आप आपके अबू क्या करते हैं? बंद है। कौन से गाँव में? आप क्वाड के हो? कौन सी है क्वाड? वाली सब जैसे कहीं गोरी गार्डन ने मिटाओ को नाल्तेरे पुलिस वालों माते मंडे वाले वीने वाले मे वाला ना मचे तबला कडे बा ना ने बे मोटरसाइकिल सरता से कोन माते बल चली वेदी मन केने सिगरेट राना माते बारा बल चली दे तो वे ताल मोटरसाइकिल तरतले जी चल राजिया रोड पर मोटरसाइकिल मेज दखाले कोनता बचे अमर द सडियो यो अलग चाचा पकड़ो हाथ तो रोलो फिर को अपने कमरे में बैठाए ऐसे जो सी आप भी हो, आप इनको तो बैठाओ, इनको कमरे में बैठाओ। क्या नाम है आपका बेटा? आपकी उम्र कितनी है? 13 साल उम्र है आपकी तो बेटा, बाल भी सफेद है, कैसे 13 साल है? क्या हुआ था? वो रात को 2 बजे शायद याल के काम से आए हूँ तो इनके साथ खड़ा हूँ। आपको भी उठा लिए शादी हॉल में? किस में आप? ये राइट शादी हॉल। किसका? राइट शादी। नंबर नोट करो, बोले नंबर बताओ। नंबर नहीं पता घर वालों का सर। शादी याद रहेगा नंबर नहीं। आप काम वहीं भी करते थे ना? जी जी। तो शादी नंबर नहीं पता है ना वो लड़का। शादी हॉल का नंबर क्या है? नाम क्या है? राइट राइट। हाँ कहाँ पे? ये इधर पंडोरिया के पास। हाँ पंडोरिया के पास वो जो सब बड़ा शादी आदमी है उधर काम करता हूँ। आप रहते कहाँ हूँ? जी ये इधर 3 नंबर गली मिलाड। वाले साहब क्या करते हैं? वाले साहब ट्रक चलाते, ट्रक चलाते। नंबर है इसी का भी नंबर है। क्या मतलब?
कोई घर वाले भी इधर से बेटा अब 13 साल के हो मैं आप भी नहीं आया हूँ मुझे सच सच बताओ सच बता रहा हूँ वो अभी गांव चले गए मेरे ख्याल में घर वाले इधर से छोड़ दिए अभी मेरे ख्याल में आपको पता ही नहीं कोई इधर चार दिन हुए हैं घर वाले आपको मार पड़ी क्या मार खाई डरो मत बेटा डरना अल्लाह से आपको आपने आपने मार खाई है ज्यादा खाई है मत डरो बेटा कुछ भी नहीं रहेगा आपको मैं इधर खड़ा हूँ मारे आपको आपने चोरी की थी चोरी नहीं किया उससे पूछ ले छोटा लड़का आप कहाँ के रहने वाले वैसे ही खड़ा हूँ इमाम का पीछे आपके माँ बाप वहाँ पे नहीं आपके माँ बाप अभी नहीं होंगे नहीं ना इधर से पता नहीं घर छोड़ के गए हैं कैसे पता नहीं बेटा ये तो कब पकड़ा इन्होंने आपको ये चार दिन पहले पकड़ा तो चार दिन पहले तक वो इधर थे चार दिन पहले तक इधर नहीं थे ना मैं उधर काम करता था इधर मेरा भाई भाई जिधर मेरे घर वाले पता नहीं है पर इधर मेरा भाई ट्रक चलाता है अभी आपके वाले साहब ट्रक चला रहे थे अभी आपके भाई नंबर भाई मजदा चलाता है ना वाले साहब लाहौर में पेंडी लाहौर नंबर बताओ नंबर नहीं पता किसी का तो नंबर किसी का पता भी नहीं पता पर हमसाया रिश्तेदार जिनको आप जानते हो उनका नंबर नंबर दो इसको कोई नंबर दो ना आपका नाम क्या है इसको भी बैठाएं वहां पे आपका नाम क्या है वो 12 नंबर आप चले जाओ उधर बैठो अलग कमरे में इसको बैठाओ अच्छा जी सलाम सलाम जी जी क्या मसला अब सारे ही क्यों ना ना मुझे तीन सौ जो पांच या पहले बैठे आप सर ना सर आप नाम किस करिए किस जगह में सर मेरा लेन देन का मामला था बंदों के साथ उन पे मैंने एफ आई आर कराई थी उसने मुझे चेक दिया हुआ था वो असर रसूख वाला बंदा है सैफ नाम है उसका उसने सर मुझे पहले तो एप्लीकेशन देता रहा आगे पीछे थानों में जब मैं वहाँ जाता था तो क्योंकि मेरे पास स्टाम्प भी था चेक भी था मैंने उनको दिखाया कि मैंने तो इस पर एफ आई आर कराई है इसके साथ जो बंदा उसने मेरे पैसे देने मेरे पास हर तहरीर मौजूद है उन्होंने कहा ठीक है हम तुम्हें पैसे देंगे लेकिन हमारे पूरे पैसे नहीं हम थोड़े पैसे देंगे सारे जिरगे में बैठे हैं बंदे मोहल्ले के पूरे बंदे थे जानते हैं मोहल्ले वाले सब जानते हैं आपकी गवाही दें कि हर बंदा साइड पे लिख के नाम लिखो मोबाइल का बड़ा मोबाइल